अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम आपके सामने है, तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम देख ले, ये एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले सिक्स साथ लिख देंगे और माइनस एक्स आवर सिक्स एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस सिक्स लिख देंगे पहले, और प्लस एक्स आवर सिक्स एक्स होल स्केयर इक्वल टू 1/6। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये देखे, ये दोनों सेम रख में हैं, इनको लेट कर लेते हैं। ये देखे, ये लेट, इनको टी के इक्वल लेट कर लेते हैं। टी इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस सिक्स और एक्स स्केयर इक्वल टू टी प्लस सिक्स। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, टी माइनस एक्स का होल स्केयर आवर सिक्स एक्स का होल स्केयर प्लस टी प्लस एक्स का होल स्केयर आवर सिक्स एक्स का होल स्केयर इक्वल टू 1/6। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब इन दोनों के स्केयर्स ओपन करते हैं। जैसे ये टी स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस टू टी एक्स प्लस टी स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस टू टी एक्स, तो सिक्स का स्केयर 36 एक्स स्केयर आवर 36 एक्स स्केयर इक्वल टू 1/6। तो स्टूडेंट, अब इनका एलसीएम करते हैं, दोनों सेम रखने हैं तो प्लस कर लेते हैं। 36 एक्स स्केयर टी स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस टू टी एक्स प्लस टी स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस टू टी एक्स। तो स्टूडेंट, ये देखिए, ये दोनों सेम रखने हैं, यानी ये आपके पास माइनस की है, ये प्लस की है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू 1/6। तो स्टूडेंट, ये देखे, ये टू टी स्केयर आ जाएगा, ये माइनस प्लस टू एक्स स्केयर आवर 36 एक्स स्केयर इक्वल टू 1/6। तो स्टूडेंट, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टी स्केयर प्लस टू एक्स स्केयर इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई 36 एक्स स्केयर। सिक्स वन जा और सिक्स जा 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये देखे, ये टू टी स्केयर प्लस टू एक्स स्केयर इक्वल टू 6 एक्स स्केयर। तो स्टूडेंट, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, टू टी स्केयर प्लस टू एक्स स्केयर माइनस 6 एक्स स्केयर इक्वल टू 0। टू टी स्केयर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 एक्स स्केयर इक्वल टू 0, इनमें से 2 को कॉमन ले लें तो टी स्केयर माइनस 4 टू एक्स स्केयर इक्वल टू 0। टू वन ज़ा 2 और 2 टू ज़ा 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। इम्प्लाइज करें और टी स्केयर माइनस 2 एक्स स्केयर इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू को भी काम करते हैं। आपने आपको पता है कि x की वैल्यू एक्स स्केयर इक्वल टू टी प्लस 6 है, और आपके पास जो t की वैल्यू है वो आपके पास एक्स स्केयर माइनस 6 है। हम यहाँ एक्स स्केयर की वैल्यू लगाएंगे, ये देखें, ये टी स्केयर माइनस 2 और x की वैल्यू आपके पास t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो स्टूडेंट, ये देखिए, आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें, ये टी स्केयर माइनस 2t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे ए की वैल्यू आपके पास 1 और बी की वैल्यू आपके पास माइनस 2 और सी की वैल्यू आपके पास माइनस 12 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला टी के लिहाज से लगाएंगे, ये देखिए, टी माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac आवर 2a। तो स्टूडेंट, जो इसका क्वेश्चन होता है उसके लिहाज से ये फार्मूला लगाते हैं, अगर एक्स हो तो एक्स के, वाई हो तो वाई, टी हो तो टी के लिहाज से। तो स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 और 2 का कितना आ जाएगा, माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा माइनस 4। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है, और सी की वैल्यू आपके पास माइनस 12 है आवर 2, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है। स्टूडेंट, क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये आपके पास 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर कितना आता है, 4। ये देखिए, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आवर 2 आ जाएगा इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये देखिए, इनको प्लस करेंगे तो 52 आवर 2 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस
फोर मल्टीप्लाई 13 आवर, 2, तो आपको पता है 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। ये देखें, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये देखें, अब हम यहाँ करते हैं 2 प्लस माइनस 2 आवर 13 आवर 2, तो स्टूडेंट इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये 2 कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 13 आवर 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी 1 प्लस माइनस 13, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, टी की। अब हम एक्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, जैसे हमने इक्वेशन लिखी थी कि जो टी इक्वल वो किसके था, एक्स स्क्वेयर माइनस 6 के, और जो आपका एक्स था ये देखें एक्स स्क्वेयर 6 प्लस टी के इक्वल था। ये देखें टी की वैल्यू तो आपने निकालनी है, एक्स स्क्वेयर यानी एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये टी की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर देनी है। तो ये देखें एक्स इक्वल टू 6 प्लस टी की वैल्यू 1 प्लस माइनस 13, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास 7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 13 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है। तो स्टूडेंट अब टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ये देखें स्क्वेयर रूट ले लें, ये देखें मैंने दोनों तरफ ले लिया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 13। तो स्टूडेंट दिस इज द रिक्वायर आंसर। आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को मज़ीद अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।